नमस्ते जी, मैं मनविंदर, फर्नीचर गार्डन से। मेरे गार्डन में आपका वेलकम है। आज मैं आपसे अपने पर्सलेन के कुछ फ्लावर हैं, बहुत सारे आज खिले हैं, तो मेरा मन करा कि मैं आपसे अपना जो वीडियो है शेयर करूं। तो ये है रेड पर्सलेन में, और अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे इसे लगाए हुए, और ये बहुत अच्छे से फैल गया है और बहुत ही जल्दी से इसकी ग्रोथ जो हुई है आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक ही कटिंग लगाई थी मैंने, तो इसमें बहुत सारे कलर है। आज मेरे गार्डन में ये बहुत सारे कलर हुए हैं। ये है रानी कलर का, और ये मैंने एक हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है, तो ये भी अच्छे से आज ब्लूम कर रहा है। और ये है मेरा मॉस रोज का येलो कलर का, और ये भी अच्छे से काफ़ी इसके फ्लावर जो हैं खिले हुए हैं, आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो इनके जो ज़्यादा हमने अगर फ्लावरिंग लेनी है तो इसकी पिंचिंग आप करते रहिएगा, तो जैसे ही आप इनके फ्लावर हैं वो स्पेंट होते जाते हैं, तो उनकी आप कटिंग करते जाइएगा, छोटी छोटी पिंचिंग करते जाइएगा, तो इससे ये बहुत सारे हमें फ्लावर जो हैं मिलते रहेंगे। तो ये छोटे से कंटेनर में भी आप इसे लगा सकते हो, और ये गर्मियों में बहुत सारे खिलते रहते हैं, और ये कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं। ये छोटी सी आप यहाँ से कटिंग लेंगे, मोसरोजा चाहे पर्सलेन है, तो वहीं से ये एक नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। ये अभी पूरी तरह धूप नहीं है, थोड़े बादल हैं, तो ये आज पूरी तरह नहीं खिले हैं, और नहीं तो ये बहुत सारे खिलते हैं रानी कलर में, ये पर मोस्ट्रोज के, और ये येलो कलर के पर्सलेन हैं, और वाइट कलर के भी खिलते रहते हैं। ये वाइट कलर का है, काफ़ी अच्छा साइज है इसका भी, बहुत सारे ये भी बनते रहते हैं। आप इस प्लांट को कहीं भी लगा दोगे तो ये वहीं पे प्लांट ये लग जाता है। तो ये इस हैंगिंग प्लांटर हैं जो, इनमें ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और अच्छे भी लगते हैं नीचे को बढ़ते हुए। बस इनकी हमने जब सीड आने स्टार्ट हो जाते हैं तभी इनके सीड हैं वो संभाल के हमने रखने हैं, और इसके साथ साथ इसे पिंचिंग भी करते रहनी है, हटाते रहना है, तो इसके ज़्यादा फ्लावरिंग तभी हमें ले पाएंगे। तो ये अभी खिलना स्टार्ट ही हो रहे हैं, और काफ़ी सारे आज खिले थे तो मैंने सोचा आपसे मैं वीडियो शेयर करूं। तो ये येलो कलर के हैं, और इसे लगाइए, ये दो तीन महीने आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे से ब्लूम होते रहते हैं, और काफ़ी सारे अब तो इतने अच्छे अच्छे इसके कलर आ चुके हैं, लेकिन मेरे पास ये अभी चार पांच कलर ही हैं, तो दो तीन मैंने इस पर सोचा था कि ऐड करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाई हूँ। तो आप इसे लगाइए, पर्सलेन आपके गार्डन को कलरफुल बना के रखता है अपने अलग अलग कलर से। और अब इसका टाइम है, जैसे जैसे इनके सीड बनते जाते हैं, यहाँ पे ये इसके सीड बनते जाएंगे ये, तो आप इनसे सीड भी कलेक्ट करके रख सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। तो वैसे इसके अगर आप कटिंग संभाल सकते हो, इसे एक एक्स्ट्रा पैकेट जहाँ किसी प्लांटर में लगा सकते हो, तब भी इसके आप संभाल करके लगा सकते हो, अदरवाइज़ इसकी सीड से दोबारा ग्रो हो जाते हैं। लेकिन जो थोड़े हाइब्रिड हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो आपको हमेशा लेने ही पड़ते हैं, तो आप लगाते रहिए ना, तो आपका गार्डन है वो हरा भरा महकता हुआ बिल्कुल रहेगा। तो ये आज बहुत सारे मेरे रेन लिली भी खिले हुए हैं, काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, तो पिंक वाले भी, और इस जब इन्हें बरसात का पानी मिलता है तो ये भी खुद ही बेचारे खिल जाते हैं। तो ये येलो की बहुत सारी कलियां आई हुई हैं, और इसके आगे सीड पॉट भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप कलेक्ट करिए इन्हें भी, इनका मौसम है अब। तो पर्सलेन और रेन लिली आपके गार्डन को काफ़ी अच्छे से महकाते रहते हैं, तो आप इनको लगाइएगा। और पर्सलेन तो अब सबका ही फेवरेट है, और कोई मेंटेनेंस केयर नहीं है इसको, बस पानी की ज़रूरत है, और एक बार जब लगा दिया थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे दिया, तो वर्मी कंपोस्ट इसके लिए बहुत है, या गोबर की जो खाद है वो ही बहुत है, तो उससे ये बहुत सारे ब्लूम करते रहते हैं। तो प्यारे प्यारे इसमें कलर आते हैं, ये देखें कैसे ब्लूम हो रहे हैं, ये एक पे दो दो तीन तीन फ्लावर खिलते रहते हैं, ये देखिए, लगाइए आपके गार्डन में कलरफुल रहेगा। थोड़े दिन हुए मैंने लगा दिया था, एक प्लांटर खाली पड़ा था, तो उसमें भी इसने बहुत सारे फूल हैं जो आज मैंने स्टार्ट कर दिए हैं।
तो ये था मेरा पर्स लेने का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर करा है। तो अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा। और इस पर मधुमक्खियाँ वगैरह बहुत आती हैं, तो लगाना है इसे, अपन लगा सकते हैं। ये देखिए अब भी आ रही हैं, सुबह ही आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो कमेंट करिएगा कैसे लगे मेरे फ्लारिंग पर्सलिन और मॉस रोज़ के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये था वीडियो। थैंक यू, एक नई वीडियो से फिर से मिलेंगे आपसे। नमस्कार जी, थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।